अल जमात शेख मसूदी संगठन की आपातकालीन बैठक सोमवार शाम 6 बजे आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि समाज को कोविड-19 महामारी से बचाने हेतु वैक्सीनेशन अभियान ईद के बाद अति शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। जिलाध्यक्ष मोहम्मद हुसैन उर्फ मुन्ना भाई ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि 3 वर्ष पूर्व संगठन का विधिवत निर्वाचन सभी समाजजनों की आम सहमति से किया गया था। विगत 2 वर्ष तक कोरोना महामारी के चलते सामाजिक गतिविधियां आयोजित नहीं हो पाई हैं। कोविड-19 शासन की गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि अल जमात शेख मसूदी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में कादिर अहमद मसूदी हैं, लेकिन पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुबारक भाई द्वारा जून 2020 में 6 माह पूर्व ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मुबारक भाई को जिला इकाई भंग करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उन्होंने स्थानीय जिला कमेटी को भंग कर दिया है। मसूदी समाज उनकी इस झूठी कार्यवाही से भ्रमित नहीं होवे। समाज की कमेटी पूरी तरह से सक्रिय है, समाज संगठित रहे। 3 वर्ष पूर्व ही सर्वसम्मति एवं आम राय से ही मोहम्मद हुसैन मुन्ना भाई को जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया था।